पिछड़ी जातियों को संविधान सम्मत अधिकार आरक्षण देने की बाबत पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संगठन बने हुए हैं और सभी को अपने स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हुए सरकार से पिछड़े वर्ग के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स उनके संवैधानिक अधिकारों को देने के प्रति नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह तय किया गया है कि एक सभी संगठनों का एक अलायंस तैयार किया जाए, सामाजिक परिवर्तन महागठबंधन के नाम से, सोशल रिवोल्यूशन अलायंस एक बनाया गया है, जिसकी कल एक बैठक आंध्रा भवन में और उसके कन्वीनर हमारे जस्टिस ऐश्वर्या साहब रहे, मेरी अध्यक्षता में वो मीटिंग एक बहुत ही सफलतम कार्यक्रम साबित हुआ। पहली मीटिंग थी, जितनी हम आशा कर रहे थे उससे कहीं अधिक पूरे भारतवर्ष से संगठन और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने अपने अपने विचार रखे और उन विचारों को रखने के बाद एक नौ बिंदुओं पर सहमति बनी कि जिसकी मांग हम भारत सरकार से करते हैं। पहला बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो जातिगत जनगणना को लेकर है। पहले सरकार जाति अनाउंस कर चुकी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, परंतु अभी अभी पर निर्णय ले लिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। हमने देखा है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जितने भी व्यवधान अभी तक आए हैं और उन पर न्यायिक निर्णय हुए हैं, सभी जजमेंट्स में सोशल डाटा की बात कही गई कि सोशल डाटा होना चाहिए, तभी इस बात को सुना जा सकता है कि इस प्रकार का आरक्षण कितना किसको दिया जाना चाहिए। और वो सोशल डाटा सिवाय जातिगत जनगणना के किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी तक जो भी डाटा हमारे पास है वो 1931 की जनगणना पर आधारित है। 2011 में भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। इन सब बातों को लेकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग, जिसमें हमारे SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी सब सम्मिलित हैं, सभी के हितों का नुकसान हो रहा है और उनको जो संवैधानिक अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमने प्रथम स्तर पर ही जातिगत जनगणना का उठाया। हाल ही में ज्वलंत मुद्दा सबके सामने है, नीट को लेकर। नीट में आरक्षण भारत सरकार नहीं दे रही, कारण कोई नहीं है क्यों नहीं देना चाहते। केवल ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दे रखा है, तो उसको लागू करने में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बहाना तब तो कह सकते थे यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे होता। इसलिए इन सब बातों को रखकर सभी भारतवर्ष के सभी संगठनों को एकत्रित करके एक अभियान हम लोग चलाने का मन बनाए हैं, जिसकी पहली मीटिंग में कल काफी कुछ सफलता हम लोगों को मिली है। और उन्हीं नौ मुद्दों पर पहला मुद्दा
जो जातिगत जनगणना का है, दूसरा नीट में आरक्षण की मांग है जिसको तुरंत लागू किया जाए, तीसरा मुद्दा जो आजकल आप देख रहे हैं सभी एक ज्वलंत आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस पर भी सभी सामाजिक संगठनों का की ये राय बनी है कि भारत सरकार को MSP लागू करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, उस पर उनको उसकी मान्यता दी जानी चाहिए। MSP की मांग भी अब हमारे अलायंस के द्वारा उठाई गई है। तीसरा मुद्दा यही था। चौथा मुद्दा है शिक्षा के बारे में, KG से लेकर PG तक समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की मांग हमने की है, क्योंकि जब तक हम उस समाज को शिक्षित नहीं कर पाएंगे जो समाज निचले पायदान पर खड़ा है, जहां पर प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियत तक नहीं है, तब तक समाज को एक जागृत नहीं किया, जब तक वो समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक एक सुदृढ़ राष्ट्र की का निर्माण भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको भी उठाया गया है। क्वालिटी एजुकेशन इसमें होनी चाहिए। पांचवा मुद्दा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों में आरक्षण संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के स्वरूप लागू होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो छठा बिंदु है, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय और अलग से उसका बजट एलोकेशन होना चाहिए, ताकि वो पिछड़ी जातियों से संबंधित जितने भी सुधार या उनकी सुविधाएं होती हैं उनको सुनिश्चित कर सके और उनको प्रॉपर बजट मिले, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग है और वो अलग से मिनिस्ट्री बनाकर उसको देखा जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले कह लीजिए नेशनल जुडिशियल कमीशन जो बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टर्न डाउन कर दिया गया था। वो एक अच्छा स्टेप था भारत सरकार का, परंतु न्यायपालिका ने उसको टर्न डाउन कर दिया और न्यायपालिका में वही स्थिति जजेस के भर्ती करने की हो रही है कि जजेस के बेटे या उनके रिश्तेदार कॉलेजियम के माध्यम से उनकी भर्ती हो रही है, जो कि एक भारत की पूरी जनता के लिए एक अन्याय की स्थिति साबित हो रही है, जिसकी वजह से न तो कोई पिछड़ी जाति का और न ही कोई SC ST का जो प्रतिनिधित्व वो न्यायपालिका में नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को उन्हें लाया जाए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन अपने जजमेंट में दिए हैं उन पर कुछ कार्रवाई करते हुए उसको पुनः बनाया जाए। आठवां मुद्दा हमारा है कि EWS को जो रिजर्वेशन 10% दिया गया है और जो विद इन नो टाइम संविधान संशोधन करके दे दिया गया है और तुरंत लागू कर दिया गया, जितना द्रुत गति से उसको लागू किया गया है आज तक किसी रिजर्वेशन को उतने द्रुत गति से नहीं लागू किया गया है, और वह रिजर्वेशन जो 10% स्वर्ण लोग कह लीजिए या अनिवासी कह लीजिए या परजीवी कह लीजिए, जैसा विभिन्न संगठनों में उनका नाम देते हैं, उनकी 10% आबादी के लिए 10% उनको दे दिया गया, जबकि OBC 27% आरक्षण
ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, जबकि उनकी जनसंख्या 1931 की जनगणना के अनुसार ही 52% है। इसीलिए हमारी मांग है कि ये 10% का जो आरक्षण दिया गया है, पहली तो इसमें यही मांग है कि ये खत्म किया जाए, लेकिन दूसरी मांग हमारी ये है कि यदि ये खत्म नहीं किया जाता है तो ये समाज के सभी वर्गों के ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि एक न्याय का तकाजा है, समानता के अधिकार के आधार पर इसको ईडब्ल्यूएस को सभी जातियों में, सभी कैटेगरीज में लागू किया जाना चाहिए। और नौवां मुद्दा हमारा, जो भारत सरकार और आपके सभी राज्यों की सरकार सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, जो पुरानी पेंशन को लागू करने से संबंधित है, और यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर घर प्रभावित हो रहा है। यदि पुरानी हमारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग है, इसको लागू किया जाना चाहिए। नौ मांगे आपने सामने रखी है, इसमें कुछ न्यायाधीश भी शामिल है जिसे आपने बताया। ऐसा क्यों होता है जब कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो या जुडिशरी से हो, जब वो अपनी कुर्सियों पर रहते हैं तब उनको उसमें कमी नजर आती है, अपनी पूरी सर्विस होने का इंतजार करते हैं पर इस्तीफा नहीं देते, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं और समाज को बताते हैं कि इसमें ये बुरा है। दूसरा सवाल, आप को ब्राह्मणों के या स्वर्णों के आरक्षण पर एतराज है या दलितों को ना मिलने का दुख है? जहां तक आपके पहले प्रश्न का संबंध है, जब तक कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में होता है तो कुछ सरकारी बंधन उसके पास में ऊपर होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह अपने पद को त्याग कर और समाज सेवा का झंडा बुलंद करने के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि समाज सेवा का झंडा बुलंद करने के लिए उसके सरकारी सेवा में रहते हुए भी बहुत लोग कार्यरत होते हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे सेवा काल में जो उस अधिकारी कर्मचारी ने देखा और भुगता, उसके लिए उसका अंतर्मन इस बात के लिए अवश्य कहता है कि जब जिस बंधन के रूप में आप सामने नहीं आ सकते थे, उस बंधन को हटने के बाद आप सामने आ सकते हैं और अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पे मैं समझता हूँ इस स्पष्टीकरण से आप संतुष्ट होंगे। दूसरा प्रश्न ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन की बात जहां तक है, मैंने पहले भी कहा है कि भारत में 10% से ज्यादा स्वर्ण, जिसे आपने ब्राह्मण कहा, मैं उस स्वर्ण जाति की बात करता हूं, 10% से ज्यादा नहीं हो और उनको 10% में 10% दे दिया गया। हमारी ये मांग है कि जब 10% उनको दिया गया है तो ये 10% आरक्षण समाज के सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? समानता समता का सिद्धांत यही कहता है कि हम सबको एक समान देखें, इसलिए हमारी मांग है कि ये एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज इनको भी दिया जाना चाहिए। बाकी थोड़ा हमारे साथी कहेंगे। दूसरे प्रश्न के अंदर जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक आधार पर दिया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं, और इसके अंदर एक और पॉइंट लगा है केवल स्वर्ण, ये भी ऐसा नहीं है।
सबको दीजिए और उसका एक सर्वे होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं छे दिया? सर्वे नहीं है, आंकड़े नहीं है और दूसरे जितने जजमेंट हैं सभी ने छे दिया, इसको पास कर दिया। ये यहां पर नकारात्मक एक तरफा सुविधा देने का एहसास हो रहा है। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उन स्वर्ण गरीबों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी निम्न स्तर का जीवन जिया है, जो एससी एसटी और ओबीसी में जिया है, अवश्य उनके बच्चों को मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर आप जनसंख्या के अनुपात को देखें, जो आज के आंकड़े मोटे तौर पर सरकार अलग अलग माध्यमों से दे रही है, वो 85-86% बैठता है और कई लोग तो 90% बताते हैं, सरकारी ही मशीनरी की बात कर रहा हूं मैं। उस 90% के बाकी बचे हुए जो 10% है, आप उनमें से देखिए कि कौन क्रिमिनल मानता है, कौन नॉन क्रिमिनल मानता है। और मध्य प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ये आंकड़े प्रसारित किए हैं, उनके अनुसार 4% केवल गरीब है और उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये क्या बिना आंकड़ों के ये दिया गया है? ये गलत है। इसका गलत कहने का मेरा तात्पर्य ये कतई नहीं है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, दिया जाए लेकिन नियम के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक आधार उनका तैयार होना चाहिए। धन्यवाद। एक और रतनलाल जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं रतन हूँ, देखिए कंफ्यूजन है सुदामा आरक्षण को लेकर। अगर कोई साथी मंडल कमीशन रिपोर्ट ठीक से पढ़ा है तो उसमें ब्राह्मण भी ओबीसी में है, क्षत्रिय भी ओबीसी में है। मेरे कहने का मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई नहीं लड़ना, लड़नी भी नहीं चाहिए, एक समय में एक ही काम करना। तो सवर्ण आरक्षण तथा कथित बगैर आंकड़ों के पास हो गया 48 घंटे, तो या तो उसका समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए। इसको भी समर्थन अगर गैर संवैधानिक है, हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए, गैर संवैधानिक है तो है। इस सबको खुश करने के लिए अगर ये सामाजिक परिवर्तन, ओबीसी इज इम्पोर्टेंट कि एससी एसटी अकाउंट होगा ओबीसी का नहीं होगा, पक्षी का होगा पशु का होगा, सवर्ण का बगैर काउंट किए हुए आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इसमें जस्टिस बैठे हुए हैं और ज्यादा जानकार होंगे, आप सब उम्र में हमसे बड़े हैं, सीधा क्लियर स्टैंड होना चाहिए। ओबीसी में ऑलरेडी बिहार उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी ब्राह्मण है, कई जगह ठाकुर भी है। तो ऑलरेडी मंडल कमीशन जब बनी थी तो मंडल साहब ने बहुत ही लिबरल लीनियंट व्यू लेते हुए ऐसे लोगों को भी शेड्यूल ओबीसी में डाला था, इसलिए इसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। शुक्रिया। ये जो ऐसा है जो अलायंस बना है, इसकी रणनीति यही होगी कि जितने भी ये ओबीसी पिछड़े समाज के लिए जितना भी आरक्षण या अन्य अधिकार जो नहीं दिए जा रहे हैं, संवैधानिक सम्मत हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही भारतवर्ष के समस्त संगठनों को एकत्रित किया गया है एक बैनर के नीचे, ताकि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार पर दबाव बनाया जाए और शांतिपूर्वक तरीके से संविधान सम्मत तरीकों से अपना विरोध प्रकट किया जाए, चाहे उसमें धरना हो चाहे प्रदर्शन हो और चाहे किसी भी प्रकार की रणनीति अपनानी पड़े, वो ऐसा रहे अपनाएगा। यही हमारी रणनीति रहेगी और यही हमारा आइडियोलॉजी हमारी यही है कि हम संविधान सम्मत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जितने भी संगठन हैं उन सबको साथ लेकर एक आवाज में एक स्वर में पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। कितने सवर्ण संगठन आपके ओबीसी जनगणना और ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते हैं?
इसमें क्लैरिटी रहना चाहिए कि आप सवर्ण आरक्षण पे हमारी तरफ से नहीं, हम सवर्ण आरक्षण उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सवर्ण वाली नहीं कर रहे हैं हम, जो हमारे पिछड़ी जातियों के लिए जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं उन्हीं का ये अलायंस है, सवर्णों का कोई अलायंस इसमें नहीं है। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, मन से यह हुआ कि सवर्ण को भी हम समर्थन करते हैं 10% आरक्षण, मैंने नामों के आधार पर कहा कि ओबीसी में ब्राह्मण या ठाकुर, कितने ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, इस मन से अगर आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, राज्य ने बात की हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पिटिट पिटिशन पड़ी हुई है, लेकिन एक उदाहरण जरूर दे रहे हैं आपको कि जब आप ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जनता के लिए 10% आरक्षण कर सकते हैं तो ये समानता का सिद्धांत पिछड़ी जातियों के लिए क्यों लागू नहीं हुआ? बिना आंकड़ों के वो हो गया, हमारे आंकड़े भी 31 के हैं और 2011 की जनगणना में भी आंकड़े एकत्रित किए हैं, आपने प्रकाशित नहीं किए, अलग बात है, आंकड़े तो आपके पास है, कुछ सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने उनको जो है प्रकाशित भी किया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो जो दिया गया है, आपकी जो मंशा है उसको देने की, ये मंशा हमारे लिए अप्लाई क्यों नहीं करती है? हमारा कहने का मतलब ये है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, हम उसके विरोध में, इसलिए कोई स्वर्ण जाति का किसी भी प्रकार का कोई संगठन वो हमारे अलायंस में नहीं है। एक छोटा सा सवाल है, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 27 उन्होंने SC ST OBC को मंत्री बना दिया, ओबीसी आयोग बना दिया, वो खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, न राजनीतिक मंच है हमारा, हम तो सामाजिक न्याय के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय को ही जनता के लिए सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति इसमें कहां से आ गई, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, अगर जो राजनीति क्या है, क्या बोलने, अगर सुनिए, अगर राजनीति सरकार ने कह दिया जातीय जनगणना जारी नहीं करेंगे ओबीसी का, हाँ तो हम ओबीसी के मंत्री ने कहा है जो ओबीसी कैटेगरी से वो जारी नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट वही रखा है कि जातिगत जनगणना हमारा सामाजिक न्याय के लिए हमारा अधिकार है, सरकार नहीं जारी करेगी तो आगे क्या प्लान है आप लोग का? बताया तो आपको, हम जितने भी शांतिपूर्वक आंदोलन हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन बहुत सब कुछ है। सर आपने चुनाव में परिणामों को लेकर 22 में और 24 की बात की है, किन किन राजनीतिक दलों का आपके इन मुद्दों पर समर्थन, अभी तक कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ हैं? नहीं अभी 22 और 24 के मैंने कहा कि हमारा मंच राजनीतिक नहीं है, अभी हम चुनाव की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, न चुनाव की बात करेंगे, हम तो किसी राजनीतिक उसके मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, अगर हमको राजनीति करनी है तो राजनीतिक दल बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाने में हमें कौन रोक रहा है? नहीं यहाँ हमारा राजनीति करने का किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है, इस अलायंस के राजनीति से कोई संबंध नहीं, इसलिए किसी पार्टी से उनके बारे में क्या सोचते हैं उसका प्रश्न हमारे से उत्पन्न नहीं, नहीं देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ओबीसी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो कौन कौन सी पार्टियां आपकी इन मुद्दों पे सहमत हैं? अभी तक आप नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है, हम तो हमारा अलायंस तो ये चाहेगा कि भारत सरकार, राज्य सरकारें जो भी शासन में है, जो भी सत्ता में है, उन पर हम ये दबाव बनाए कि आप हमारी बात मानिए, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, शासन आज सुप्रीम कोर्ट में आपने बोला है पिटीशन दायर किया गया है, वो अभी तक भी उसका रिएक्शन तो EWS के जी तो उसका फैसला होना चाहिए था पहले ना, ये जो आपने ये मुद्दा उठाया इस पर नहीं देखिए EWS के उस पे है, हम ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, पिटीशन हमारा फाइल है, लेकिन एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, EWS के लिए आप 10% आरक्षण 10% जनमानस के लिए तुरंत आनंद फानंद में कर देते हैं, 52% पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण किया पूरा नहीं दे रहे, तो इसको पहले करना चाहिए था, मैं नहीं EWS हमारे मुद्दे आप देखिए जो नोट है बहुत बात है, और कोई प्रश्न? सबसे पहले यही पॉइंट है हमारा, देखिए जैसे नीच में नहीं है सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट तो हमारा देखिए जो जातिगत जनगणना है जब तक वो नहीं होगी
तब तक हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता रहेगा, चाहे वो कार्यपालिका की तरफ से हो और चाहे न्यायपालिका की तरफ से, वो कुठाराघात होता रहेगा। सबके हाथ बंधे हैं या फिर वो बहाना जो भी। ये अभी आपने जो इशू जो रेज किए जी, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको फेवर कर सकते हैं? अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में क्या देता है इसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पूर्व कल्पना नहीं कर सकते और न उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की बाबत। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान का रक्षक है और हमें उम्मीद है कि वो संवैधानिक हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनसे हमारी मांग है।